अस्पताल में सिर पर पट्टी बांधे हुए दिखाई दे रहा यह शख्स एक अध्यापक है, जिसका ये हाल सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए एक छात्र को दूसरे छात्र से मारपीट करने से रोक लिया था, जिसके बाद अगले ही दिन छात्र के परिजन स्कूल पहुंच गए और टीचर नर्सिंग के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। सिर में चोट लगने की वजह से उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 24 तारीख को 10 बजे जो है ना, एक छोटा बच्चा 6ठी क्लास का मेरे पास आया और उन्होंने कहा जी ये बड़ा बच्चा जो है ये मेरे को मार रहा है। मैंने जाके देखा, वो बच्चा उसको मार रहा था, बैठे नहीं दे रहा था। मैंने उन दोनों बच्चों को धमका करके उनका झगड़ा ख़त्म करवा दिया और मैंने बच्चों को बिठा दिया। अच्छा, वो जो बड़ा बच्चा है मैंने उसको बाहर भी निकाला है और उसको धमकाया। अच्छा, मामा बैठ जा बैठा तू, यही बात थी, कोई वारदात नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी। दोनों बच्चे मारे थे, छोटा बच्चा भी हमारा था, बड़ा भी हमारा था। अच्छा, जब माँ बाप बच्चों को हमारे पास भेज देते हैं, अगर छोटे को बड़ा मारता है तो उसको छुटाने की जिम्मेवारी हमारी है। 6 घंटे बच्चा हमारे पास रहता है। तो उसके बाद जो है ना, उन्होंने हमने आज 25 तारीख को सुबह एक मीटिंग बुला रखी थी पेरेंट टीचर की, पीटीएम की। हाँ, मीटिंग थी पूरा हरियाणा में आज वो। तो हम मीटिंग के लिए तैयारी करने लग रहे थे, मैं हेडमास्टर के साथ बैठा था और जैसे ही वो माँ बाप आने शुरू हुए, मैं अपना जो है ना रिकॉर्ड लेके और बाहर बैठा ना बैठ गया और उनको कहा, उन लोग जो माँ बाप आ रहे थे, भाई तुम यहाँ बैठो। इतनी ही देर में कुछ आदमियों ने, लुगाइयों ने जो है हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने ईंट मारी है, अब ये मैं नहीं पता वो ईंट किसी लेडीज ने मारी है जेंट्स ने मारी है। हमलावरों की संख्या कितनी थी? हाँ जी, हमलावरों की संख्या, हमलावर जो है ना लुगाई और आदमी, वो 8-10 जरूर थे जी। हाँ, काफी थे। पूरा मामला हिसार के पातन गांव का है। इस मामले में पीड़ित टीचर ने पुलिस को शिकायत दे दी है, जिसमें कहा गया है कि एक छोटे छात्र से मारपीट करने पर उन्होंने साहिल नाम के छात्र को डांट लगाई थी, जिसके बाद परिजनों ने उनका ये हाल कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल के इंचार्ज महेंद्र पाल ने बताया है कि पातन के स्कूल में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 बार हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और पुलिस को शिकायत भी दे दी है। क्या था कि सुबह 9:15 का समय था और मैं और नरसिंह जी ऑफिस से निकल रहे थे, वो पीटीएम के लिए पेरेंट्स आ रहे थे, तो इनकी बात हुई कि भाई वो 6th क्लास का इंचार्ज कौन है, तो ये बोले कि आप चलो चलते हैं, आप बैठते हैं, बात करेंगे पीटीएम। तो कुर्सी के लिए इंतजाम करने के लिए हम जा ही रहे थे, इस दौरान उन्होंने चप्पलों से लात घूसों से हमला कर दिया और काफ़ी हम, इन्होंने भी कोशिश की, मैं और ये दोनों साथ ही थे, बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या अधिक होने की वजह से मैं चिल्लाता रहा, बच्चों को भी, स्टाफ को भी बुलाता रहा, लेकिन स्टाफ हमारा दूर दूर मीटिंग में व्यस्त था, तो इस दौरान 2-4 मिनट का समय लग गया, तो ये हादसा हो गया। बता दें, बुधवार को सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई गई थी। नर्सिंग भी बुधवार को इस मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान उनके साथ साहिल के परिजनों ने मारपीट की। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।